उदाहरण 11। दिए गए चित्र में M AB का मध्य बिंदु है तथा भुजा CA सर्वांग सम है भुजा CB। तब सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज ACM सर्वांग सम है त्रिभुज BCM। हम उदाहरण 11 हल करेंगे। उदाहरण 11 का चित्र आपके सामने दिखाई पड़ रहा है। एक त्रिभुज CAB है जो समद्विबाहु त्रिभुज है और इसमें भुजा CA और CB सर्वांग सम है, यानी इनकी माप CA और CB आपस में बराबर है। एक जानकारी हमें दी हुई है, इसे संकेत के रूप में हम प्रदर्शित कर दें, CA बराबर CB। और दूसरी चीज़ हमको दी हुई है कि हमने यहाँ से एक CM रेखाखंड खींचा है जो AB को M पर मिलता है। तो ये जो बिंदु M है वो AB का मध्य बिंदु है। तो इसे दूसरे अर्थों में आप ऐसा भी कह सकते हैं कि AM और MB आपस में बराबर हैं। ये हमने लिख लिया, ये दो चीज़ हमें मिली हुई है और हमें ये प्रूफ करना है कि ये जो दो त्रिभुज बन रहे हैं इस CM को ड्रा करने से, उन दोनों त्रिभुजों CAM और CBM, इन दोनों त्रिभुजों में सर्वांग समता है, ये हमें सिद्ध करना है। तो देखते हैं सर्वांग समता की किन शर्तों के आधार पर हम ऐसा कर पाते हैं। एक चीज़ तो आपको मिल गई है कि इन दोनों त्रिभुजों में भुजा CA और CB बराबर है, और एक चीज़ और मिल गई है आपको कि M AB का मध्य बिंदु, इसलिए AM बराबर MB। अब तीसरी कौन सी चीज़ हो सकती है, आप सोच के बताइए। आप यदि गौर से चित्र को देखें तो आपको दिखाई पड़ेगा कि CM दोनों जगह पर मौजूद है। तो तीन भुजाएँ हो गई आपके सामने, और तीन भुजाएँ, पहले त्रिभुज की तीन भुजाएं दूसरे त्रिभुज की संगत तीन भुजाओं के बराबर है, तो आप कह सकते हैं कि त्रिभुज सर्वांग सम है। तो चलिए इन्हें लिखते हैं हम संकेतों की भाषा में, ज्यामिति की भाषा में। हम लिखें त्रिभुज CAM, त्रिभुज CAM और त्रिभुज CBM में, CBM में क्या क्या चीजें हैं आपके पास। एक चीज़ आपको मिल रही है, पहले त्रिभुज की भुजा CA और दूसरे त्रिभुज की भुजा CB आपस में बराबर है। तो इसे लिखें आप CA बराबर CB। दूसरी चीज़ जो आपके पास है, AM बराबर BM या MB। तो हम इसको यहाँ से शुरू कर रहे हैं, इसलिए ऐसा लिखेंगे AM बराबर BM। इसे लिखिए AM बराबर BM, ये हमें दिया हुआ है। और तीसरी भुजा CM दोनों त्रिभुजों में उपस्थित है, तो हम लिखें CM बराबर CM उभयनिष्ठ भुजा। और यहाँ आप लिख सकते हैं समद्विबाहु त्रिभुज की समान भुजाएं, समद्विबाहु त्रिभुज की बराबर या समान भुजाएं, ये आप लिख दें। और AM बराबर BM हमें दिया हुआ है रचना से, तो आप देख रहे हैं कि इस त्रिभुज की तीनों भुजाएं दूसरे वाले त्रिभुज की तीनों भुजाओं के संगत भुजाओं के बराबर है। इसलिए आप कह सकते हैं कि भुजा 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 या साइड 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 सर्वांग समता से दोनों त्रिभुज CAM, त्रिभुज CAM और त्रिभुज CBM सर्वांग सम है। तो CAM सर्वांग सम है CBM के, और यही आपको प्रूफ करना था। यहाँ पर नाम हमने SCM और BCM लिखा है, उसे आप CAM या CBM कह सकते हैं। तो ये दोनों त्रिभुज आपके सर्वांग सम हो गए, और यही आपको इस उदाहरण में सिद्ध करना था।